चैनल यूनिक रियो, जिसमें हम वेस्ट से बेस्ट कुछ यूनिक क्रिएशन करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक साड़ी बनाना बता रही हूँ आज के इस वीडियो में, जो कि ये सीफॉन के कपड़े और नेट की साड़ी होगी, जो कि बहुत ही लाइट वेट होगी। जैसा कि अब मतलब सीजन आ गया है फेस्टिवल्स का, एंड इसके आफ्टर आपको मतलब वेडिंग सीजन भी आने ही वाला है, तो उसके लिए आप मतलब इस तरीके की साड़ी बना सकते हैं। बहुत ही लाइट वेट है और बहुत ही आपका लो बजट साड़ी है। इसके लिए मैंने देखिए ये सिफॉन मिक्स जो आता है ना फैब्रिक साइन वाला, वो फैब्रिक लिया है, जो कि बॉटम के लिए मैं यूज़ करूँगी। और ये मैंने नेट ली हुई है, ये फ्लावर प्रिंट नेट है, ये प्रिंट नहीं है, ये ऊपर से स्टोन वर्क वाली जो लगे होते हैं ना पैच वर्क, उस तरीके की नेट है। काफ़ी मतलब आपको मतलब सस्ते प्राइस में मिल जाएगी। आप अपने मार्केट में कहीं पर भी अपने नियर बाय आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर ये ईजिली मिल जाएगी। इससे भी सुंदर सुंदर नेट आ रही हैं आजकल बहुत, और काफ़ी चीप प्राइस पर आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसे बाय कर सकते हैं। और देखिए मैंने इसके लिए लिया है 2.5 मीटर कपड़ा, मैंने नेट का लिया है और 2.5 मीटर वो मतलब ये सीफॉन जो बॉटम का है वो लिया है। और देखिए अब मैं सबसे पहले इसको एक नीचे से जो होती है ना, तो हम एक फ्रिल टाइप में साड़ी बनाएंगे, जो कि आप प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू देखिए, क्योंकि इसमें एक ट्विस्ट देने वाली हूँ। आप इस साड़ी को कई तरीके के डिफरेंट वेज में पहन पाएंगे। तो देखिए मैं आपको जो निशान बता रही हूँ फिंगर से, इतनी ब्रॉड मैं इसमें नीचे की तरफ फ्रिल ऐड करने वाली हूँ। और देखिए इस तरीके से मैंने 4 लेयर में इसको मतलब बिछा लिया है, और उसके बाद काटना इसको इजी हो जाएगा, तो एक ही बार में हमारा स्टॉक कट के आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर मैं मतलब सजेस्ट करूँगी कि आप भी ब्रॉड ही मतलब लीजिए, क्योंकि ब्रॉड काफ़ी अच्छा लगता है एकदम, जो वैसा होता है ना छोटे से हम जो फ्रिल बनाते हैं उसमें इतना अच्छा बाउंस नहीं क्रिएट होता है, इसमें आपको काफ़ी घेर मिलेगा, काफ़ी फ्लैरी लुक मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरीके से करीब 8 से 10 इंच तक की आप फ्रिल मतलब इसके लिए लें तो काफ़ी अच्छा लगेगा। आपको मैं इसका लुक भी दिखाऊंगी, बहुत ही यम्मी लुक बहुत ही अमेजिंग लुक लगने वाला है। तो देखिए इस तरीके से पहले मैं इसको कट कर लूँगी। मैंने यहाँ पर 8 सेंटीमीटर लिया है, आप 8 से 10 सेंटीमीटर ले लीजिए बिल्कुल, और अकॉर्डिंगली मतलब जैसा कि आपको अपने पहले वेस्ट से आप नीचे तक नाप लें, और हाँ क्योंकि फ्रिल सहित ही नापें, क्योंकि आप फ्रिल भी ऐड करेंगे ना तो उतना ही ऊँचा करके नापें, जैसे इस तरीके से उतना आप निकाल लें। और इस तरीके से देखिए मैं इसमें छोटे छोटे से फ्रिल डालूँगी, और आपको ज़्यादा इसमें जो गैदर्स डालने हैं वो थोड़ा मतलब थोड़ा सा दूर डालिए, जैसे कि मैं अपने और भी वीडियोस में बताती हूँ चिपके चिपके, क्योंकि ये फैब्रिक है ना, तो इसमें अगर आप बहुत चिपका चिपका के डालेंगे तो बहुत ज़्यादा नीचे से हैवी सा हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा दूर, देखिए मैंने कितना थोड़ा सा मतलब 1 इंच नहीं बोलूँगी, करीब 3 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर का गैप करके इसको मतलब इस तरीके से लगाइए। और देखिए इस तरीके से मैं लगा रही हूँ, और इस तरीके से लगाते हुए पूरी फ्रिल मैंने तैयार कर ली है, आप देख सकते हैं कितनी चौड़ी मेरी फ्रिल बनकर तैयार हुई है। और ये इस तरीके से देखिए मैंने हाथ से अभी अटैच किया, अब इसके ऊपर मैं मशीन का एक सिलाई फेर दूँगी जिससे कि ये हमारी मजबूत हो जाएगी। और बस इसके बाद देखिए मैंने अपना ये जो फैब्रिक लिया है बॉटम का ही लिया है, और बॉटम का ये बॉटम का ही हिस्सा है, मतलब नीचे जो हमारी स्कर्ट एरिया है उसका ये बॉटम के पास हम इसको अटैच कर देंगे। और इसको मैं मतलब उल्टी साइड से अटैच करूँगी, जिससे कि ये पलटने के बाद इसको हम पलटेंगे तो ये हमारे ऑटोमेटिकली सीधा हो जाएगा। तो आप चाहे तो इसके ऊपर से भी इसको अटैच कर सकते हैं, आप लेस वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, बट मैं साड़ी में लेस वगैरह का यूज़ नहीं करूँगी, मैं इसको सिंपल एंड एलिगेंट लुक देना चाहती हूँ इसलिए। और अब देखिए मैंने यहाँ पर फ्रिल को ऐड कर दिया है, और मैंने अब यहाँ पर देखिए नेट को इस तरीके से लिया है, तो देखिए वह जो मेरा नेट का फैब्रिक है वो मैं बस यहीं तक अटैच करूँगी। देखिए फ्रिल बाकी के नीचे से मेरी फ्रिल लगी हुई है, तो वहाँ से मैं इसको हटा दूँगी, जितना फ्रिल के पास तक अटैच नहीं करेंगे हम, सिर्फ यहीं तक ही अटैच करेंगे जहाँ तक मैं आपको फिंगर से दिखा रही हूँ, बस आपको वहीं तक अटैच करना है। बाकी की ये जो एक्स्ट्रा है इसको मैं कट कर लूँगी, देखिए जो फ्रिल के पास तक नेट पड़ी हुई है ना यहाँ तक ही मैं इसको अटैच करूँगी, बाकी की जो एक्स्ट्रा है उसको मैं कट कर लूँगी। और उसकी देखिए मैंने कट करके उसको मैंने फ्रिल बना ली है, ये भी मैंने हाथ से ही बनाई है, इस पर भी मैं मशीन लगा दूँगी। और ये भी देखिए ये वाली फ्रिल है, और अकॉर्डिंगली बॉटम मैंने इसको छोटा रखा है बिकॉज हम अपर पल्ला पर छोटी फ्रिल ही ऐड करेंगे। यस, और देखिए इस तरीके से मैंने बना ली है, और अब चलिए इसको मैं फटाफट से आपको अटैच करके दिखाती हूँ, और मैं
देखिए मैंने यहाँ पर इसको अटैच कर दिया है अपने ये पल्ले पर, ये जो कि हमारा ऊपर का पल्ला है वहाँ पर मैंने इसको अटैच कर दिया। अभी आप इसको वीडियो कंटिन्यू देखिए, मैं अभी आपको उसको वेयर करके भी दिखाऊंगी और डिफरेंट वेज में वेयर करके दिखाऊंगी इसको। तो देखिए इस तरीके से मैंने लिया है, और इस साड़ी को मतलब पहनने के लिए मैंने ना इसमें एक जो इसके साथ मैंने बेल्ट वगैरह भी बनाई है, चलिए मैं आपको वो भी दिखाई देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसके साथ बेल्ट, गोल्डन कलर की ही बेल्ट बनाई है, जैसे कि आजकल बेल्ट का ट्रेंड चल रहा है, तो बेल्ट के साथ इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। अब जैसे चाहे वैसे पहन सकते हैं, और मैं इसको आपको सबके साथ इसको पहन कर दिखाऊँगी अभी। सो प्लीज़ कंटिन्यू वॉच द वीडियो। और देखिए इस तरीके के आप पैच वर्क का भी यूज कर सकते हैं, मैं इसका यूज़ भी दिखाऊंगी अभी आपको। इसमें आपको इसको परमानेंटली नहीं करना है, आप इसको जब चाहे तब निकाल सकते हैं। और देखिए मैंने इसके लिए जैकेट टाइप का ब्लाउज़ स्टिच करवाया है, स्टिच किया है, और देखिए ये भी नेट का ही है, और देखिए ये भी बहुत सुंदर है। इसको मैंने इसलिए मतलब फुल लिया है क्योंकि इसमें टमी वगैरह हाइड हो जाता है, नेट है तो काफ़ी ज़्यादा शो होता है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको वेयर किया है, तो आप इस तरीके से साड़ी का लुक देख सकते हैं। नीचे से बॉटम में कितना फ्लैरी लुक आ रहा है, बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है इसका, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आप। और देखिए मैंने यहाँ पर इसको बेल्ट के साथ भी वेयर कर लिया है, और देखिए बेल्ट के साथ अब इसको फ्री स्टाइल में आप इस तरीके से छोड़ सकते हैं जैसे कि मैंने छोड़ रखा है। तो बस आप इजीली बेल्ट के साथ और कैसे के साथ आप जितने चाहे उतने आप इसमें स्टाइल कर सकते हैं, और बेल्ट के साथ भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है लुक। ऑटोमेटिकली साड़ी का बेल्ट ट्रेंड में भी है, तो आप इस तरीके से बेल्ट बना सकते हैं, और इस तरीके से आप साड़ी को बना सकते हैं अपने फेस्टिवल के लिए, अपने खुद से क्रिएट कर सकते हैं। और ये बहुत ही लो बजट है, मेरी साड़ी ओनली ये बनकर ओनली आप 450 में तैयार हुई है, ये 450 रुपये की ये साड़ी बनकर तैयार हुई है, जो कि आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलने वाली है। और अब देखिए मैंने इसमें जो मैं इसको विद पल्ला अटैच करके दिखाती हूँ, इस तरीके से देखिए मैंने पल्ले को पूरे को ऊपर रख लिया है, और पैच वर्क जो मैंने अभी आपको दिखाया था उसको भी मैंने वहाँ पर अटैच कर दिया है। तो इस तरीके से आप पैच वर्क को भी अटैच कर सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से, और अपनी साड़ी को एलिगेंट से सुपर अमेजिंग से लुक दे सकते हैं, और किसी भी पार्टी में फेस्टिवल पे आप इसको वेयर कर सकते हैं। और गोल्डन कलर मैंने इसलिए लिया है कि बिकॉज काफ़ी अच्छा कलर खिलकर आता है, और इसके ब्लाउज़ भी मैंने इसीलिए इस मतलब नीचे तक सिलवाया है क्योंकि नेट है तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब टमी वगैरह शो होता है, तो ये पूरा है ना तो टमी के पास भी वर्क सा आता है ना, तो बहुत ही अमेजिंग लगता है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक देना मत।